नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। कांग्रेस अध्यक्ष के साथ पीएम मोदी का लंच। संसद में हंगामे के बाद भाजपा ने विपक्ष के साथ खाना खाया। कृषि मंत्री ने की व्यवस्थाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर मंगलवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद परिसर में सांसदों के लिए लंच की व्यवस्था की। इस दौरान बीजेपी नेताओं के साथ कांग्रेस के नेता भी खाना खाते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के साथ लंच किया। इसकी तस्वीर पीएम ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की है। हालांकि लंच से पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को भाजपा ने कुत्ते वाले बयान पर घेरा था। भाजपा ने खड़गे से साफ माफी मांगी थी। खड़गे का कहना था कि मैंने जो कहा वह सदन से बाहर कहा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राजस्थान के अलवर में रविवार को कहा था, हमने देश को आजादी दिलाई और देश की एकता के लिए इंदिरा और राजीव गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। हमारी पार्टी के नेताओं ने अपनी जान दी। आपने क्या किया? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तक मरा है? क्या किसी ने कोई कुर्बानी दी है? नहीं। सांसद पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभद्र भाषण दिया। उन्होंने अभद्र भाषण का इस्तेमाल किया, निरादर बातें कही और देश के सामने झूठ पेश करने की कोशिश की। खड़गे को भाजपा सांसद और इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। खड़गे ने अपनी मानसिकता की झलक दिखा दी है। संसद का विंटर सेशन समय से पहले खत्म हो सकता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक यह सेशन 23 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। यह फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया गया, जो लोकसभा और राज्यसभा के शेड्यूल को मैनेज करती है। शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर को शुरू हुआ था, जो 29 दिसंबर तक चलना था। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।